रूसी हमले से हिल उठा यूक्रेन, भारतीय छात्रा मदद की लगा रहे गुहार। वीडियो कॉलिंग पे छात्रा बात करते परिवार से क्या कहा। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन में तबाही मची हुई है। फंसे हुए भारतीय नागरिक अपील कर रहे हैं और वहीं जो लोग यूक्रेन में फंसे हैं, सहारनपुर लोकसभा सांसद हाजी फजलुर रहमान ने केंद्र सरकार से यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की सकुशल वापसी की मांग की है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्री से की है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के लिए चिंता का विषय है। जो छात्र यूक्रेन में फंसे हैं, एक छात्रा का वीडियो वायरल हो रही है जो वीडियो कॉल पर परिवार वालों से, अपने परिवार से बात कर रही है। सुनिए क्या दर्द बयां कर रही है छात्रा जो शिक्षा की ऊंचाई छूने गई थी और आज जिंदगी मौत के बीच फंसी हुई है। 24 आवर्स या फिर 48 आवर्स भी जिस भी तरह से कंडीशन रहेगी, हमें वहाँ पे रहना पड़ जाएगा। तो अभी कुछ प्रोबेबली 24 आवर्स तक तो मान के चलिए कि 24 आवर्स रहना ही रहना है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि यहाँ पे कैसी सिचुएशन रहती है। तो चलो रिया बेटा, और क्या मतलब यहाँ सरकार को आप क्या कहना चाहते हो? आपको वहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं और आपके घर वालों को क्या परेशानियाँ हो रही हैं? अभी फिलहाल तो सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जैसे इन लोगों ने, जैसे सरकार ने अफगानिस्तान में इवैकुएशन करा था, अपने इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन सिटीजन को निकालने के लिए इवैकुएशन करा था, तो ऐसी ही इवैकुएशन करी जानी चाहिए। इतने 18,000 स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, तो एटलीस्ट कुछ तो निकले और कुछ क्या, सभी को निकालना चाहिए। अभी जितना भी लेट करेंगे उतना बदतर होती जा रही है यहाँ पे हालात जितने भी हैं। और पेरेंट्स तो मिनट में पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया न्यूज दिखा रहे हैं, पेरेंट्स न्यूज भी देख रहे हैं, सब चीज देख रहे हैं, सबके घरों में टीवी चल रहा है। तो जिस भी हिसाब से सिचुएशन चल रही है, सारी लाइव अपडेट हो रही है और उसी के करके सारा हमारा जो ये पेरेंट्स सब पैनिक हो रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहाँ पे हो, कैसे हो, क्या सिचुएशन है। तो अभी मेट्रो स्टेशन पे जाके बेटा अपना खाने पीने कैसे करोगे फिर आप? खाने पीने का ताऊ जी ऐसा है कि खाने पीने का हम लोगों ने जो जितना भी सूखा सामान रहता है, जैसे ब्रेड हो गई, दूध हो गया, नमकीन हो गए, बिस्किट हो गए, या जो भी है, 24 आवर्स का एटलीस्ट 48 आवर्स का तो बैग में पैक करके रखा ही हुआ है हमने। चलो मतलब इतना है ना, वगैरह पानी की क्या जाएंगे हम लोग। हाँ, अपना ज्यादा से ज्यादा बेटा खाने पीने की चीजें अपने साथ जरूर रखो, कपड़े चाहे ना हो लेकिन खाने पीने की जरूर आपके चीजें जरूर आपके पास होनी चाहिए। चलो और क्या क्या परेशानियां हो रही हैं आपको वहां पे? और तो फिलहाल तो एटीएम में सुबह कैश निकालने के लिए गए थे, हमारे इंडियन कार्ड भी वर्क नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो कैश की शॉर्टेज भी बढ़ रही है कि बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स ने, जैसे मेरे पेरेंट्स ने सुबह कैश डलवाया है एकदम इमरजेंसी में, तो कैश निकालने गए यहाँ पे, तीन घंटे से ज्यादा तो लाइन में खड़े रहे। और उसके बाद जब हमारा नंबर आया तो पता चला कि सारे हमारे इंडियन कार्ड वर्क ही नहीं कर रहे हैं और बैंक में भी शॉर्टेज ऑफ कैश हो गई है यहाँ पे।